यहाँ कुछ लोग हैं जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कंपेयर कर रहे हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। जी हाँ, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, और फिर इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि भाई कौन है किस पर भारी। तो चलिए पहले पवन सिंह से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि पवन सिंह किस तरह से फिल्मी दुनिया में आए। फिल्मी दुनिया में आने से पहले पवन सिंह क्या क्या करते थे, ठीक उसी तरह हम खेसारी लाल यादव के बारे में भी बताएंगे। वैसे अगर आप YouTube और Google करते हैं तो आपको ये जानकारी आराम से मिल जाएगी। पवन सिंह की 2007 में फिल्म आई थी रंगले चुनरिया तोरे नाम, और इस फिल्म से भोजपुरी जगत में पवन सिंह ने कदम रखा। न फिल्म चली और न लोगों ने पवन सिंह को नोटिस किया। फिर भाई फिल्म दर फिल्म आई, कभी साइड रोल मिला, कभी कुछ मिला, कभी स्टेज शो करते रहे। लेकिन हाँ, पवन सिंह ने इसी बीच कई एल्बम भी निकाले। उन एल्बमों में सबसे सुपरहिट एल्बम अगर पवन सिंह का कोई रहा तो लॉलीपॉप लागेलू। जी हाँ, लॉलीपॉप लागेलू को कई वर्जन में बनाया गया, यानी कई बार बनाया गया। फिल्म के लिए अलग गाना है, एल्बम के लिए अलग गाना है, और इस गाने ने पवन सिंह को एक पहचान दी। धीरे धीरे यह गाना यूपी बिहार से लेकर पूरे भारत में छाने लगा। भारत के बाद ये गाना विदेशों में भी बजने लगा और पवन सिंह की डिमांड बढ़ने लगी। पवन सिंह नोटिस कब किए गए? भाई पवन सिंह नोटिस किए गए प्रतिज्ञा से। जी हाँ, उनकी फिल्म आई थी प्रतिज्ञा, जिसमें उनको बहुत पसंद किया गया। पवन सिंह ने कई मल्टी स्टारर फिल्में भी की हैं। आपको बता दें कि जब पवन सिंह ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, यानी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, उसी वक्त भोजपुरी का एक और आर्टिस्ट था जो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तिलमिला रहा था। नाम था शत्रुघ्न यादव, लेकिन इस नाम ने न कमाल दिखाया और न शोहरत मिली। दिल्ली में बाटी चोखा बेचा, लेकिन भाई किस्मत को तो था कुछ और ही मंजूर। जी हाँ, शत्रुघ्न को खेसारी बनने का जो सफर तय करना था। बता दे आपको कि शत्रुघ्न यादव का नाम खेसारी लाल यादव बहुत पहले ही पड़ गया था। हमने इंटरव्यू शत्रुघ्न यादव को आपसे इसलिए करवाया कि बहुत कम लोग जानते हैं कि खेसारी का एक नाम ये भी है। खेसारी के स्ट्रगल के दिनों में खेसारी स्टेज शो किया करते और रामलीलाओं में गाना गाया करते, और वहीं रामलीला जब मंचन हुआ करती थी और रामलीला के दौरान खेसारी लाल यादव स्त्री का रूप भी धारण करते। जी हाँ, रामलीला में जब औरतों का रोल आता तो खेसारी औरत बनकर भी लोगों का एंटरटेन करते। खैर, ये सारी बातें आपको पता होंगी, हम बढ़ते हैं उनके सफर की तरफ। भाई खेसारी लाल यादव कभी न बनते अगर उन्होंने सानिया मिर्जा का गाना सानिया मिर्जा काहे खुजलू दुल्हा पाकिस्तानी न गाया होता। फिर उसके बाद तो खेसारी नहीं रह गए। अब बात होगी इसी एल्बम के बाद खेसारी लाल यादव को उनकी पहली फिल्म, और पहली फिल्म का साइनिंग अमाउंट 11,000 रुपया मिला। कुछ यही अमाउंट पवन सिंह को भी मिला था। जी हाँ, पवन सिंह की भी साइनिंग अमाउंट 11,000 रुपये ही थे। अब बढ़ते हैं कहानी के खेल की तरफ। जी हाँ, कहानी का असली खेल तो अब ही शुरू होगा। तो क्या खेसारी लाल यादव आते ही पवन सिंह को टक्कर देने लगे थे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। खेसारी लाल यादव एक उभरते हुए अभिनेता थे, तो वहीं पवन सिंह एक एस्टेब्लिश अभिनेता थे। पवन सिंह ने खेसारी से लगभग 4 साल पहले अपना करियर शुरू किया, और उससे पहले उन्होंने स्टेज शो और कई जगहों पे गाना गाया। लेकिन यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी ने जब अपना करियर शुरू किया तो पवन सिंह एक एस्टेब्लिश स्टार हो गए थे। खेसारी के लाइफ में अगला मोड़ तब आता है जब खेसारी के लाइफ में अक्षरा सिंह आती है। उनका और अक्षरा सिंह का रिलेशन लगभग 4 साल चलता है, और फिर अचानक से एक दिन ब्रेकअप हो जाता है। खेसारी लाल यादव के पैरों तले जमीन इसलिए निकल जाती है क्योंकि अक्षरा सिंह से वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं, और फिर ये ब्रेकअप उन्हें तोड़ देता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल जला आशिक काफ़ी कुछ बदल देता है।
या फिर वो बन ही जाता है या फिर वो बर्बाद ही हो जाता है। तो खेसारी ने बनने की ठानी और अब यहीं से शुरू होती है खेसारी और पवन सिंह की दुश्मनी। 2014 आते आते खेसारी लाल यादव भी एक जाना माना नाम हो गए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में और ठीक पवन सिंह का भाई पवन सिंह काफी बड़े स्टार हो गए थे। पवन सिंह के नाम पे फिल्में चलती थी और इन दोनों के बीच लड़ाई अब यहीं से शुरू होती है जब खेसारी के खेमे से अक्षरा निकलकर पहुंच जाती हैं पवन सिंह के खेमे में। जी हाँ, यहाँ पर उन्हें पवन सिंह से प्यार हो जाता है, ठीक वही प्यार जो खेसारी को अक्षरा से हुआ था। और अब खुद खेसारी को चैन नहीं मिलता है, वो किसी तरह चाहते हैं कि अक्षरा सिंह उनके जीवन में वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्षरा और पवन की नजदीकियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि पवन और खेसारी जो कभी शायद दुश्मन बनते, अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे के फैंस के द्वारा एक दूसरे पर छींटा कसी करवाते हैं। और अब दिनों दिन खेसारी का रुतबा भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ता चला जा रहा था। फिल्में दर फिल्में उनकी हिट होने लगी थी क्योंकि काजल राघवानी उनकी लाइफ में आ चुकी थी और काजल राघवानी का साथ पाते ही खेसारी ने उनके साथ अब तक 20 से 25 फिल्में सुपरहिट दे दी है। आपको बता दें कि काजल राघवानी की जोड़ी को खेसारी के साथ अक्षरा से भी ज्यादा पसंद किया गया। खैर, अब बात कर लेते हैं पवन सिंह की। तो पवन सिंह की भी एक से बढ़कर एक धाकड़ फिल्में आई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा राज की। वहीं खेसारी ने अपनी इमेज बदली, एक्शन कॉमेडी से भरपूर फिल्में की और अब खेसारी ऐसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जो सोशल मैसेज देती हैं। वहीं खेसारी लाल यादव के विपरीत पवन सिंह सिर्फ एक ही जॉनर की फिल्में करते रहे, वो भी एक्शन पैक्ड, और आज भी वो उसी में खुश हैं। खैर, आगे बात करते हैं इनके दौलत की, रुपए की, शोहरत की, बैंक बैलेंस की, गाड़ी की और यहाँ तक कि इनके हैसियत की। भाई हर मामले में अगर आप देखेंगे तो पवन सिंह खेसारी से सीनियर है। सीनियर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह रहते हैं मलाड जैसे पॉश एरिया में, तो वहीं खेसारी लाल यादव रहते हैं मीरा रोड में। खेसारी और पवन की कई अनगिनत बेनामी संपत्तियां हैं। साथ ही साथ इन दोनों की बात करें तो खेसारी लाल यादव के पास फॉर्चुनर कारें हैं और कई बुलेट हैं। वहीं पवन सिंह को महंगी गाड़ियों का शौक है, मर्सिडीज से लेकर बीएमडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू से लेकर रोल्स रॉयल। पवन के गाड़ियों की बात कर ले तो इस मामले में वो खेसारी से कहीं ऊपर है। खेसारी की गाड़ी अगर 25 लाख की है तो पवन की गाड़ी 4 करोड़ की है। खेसारी अगर एक फिल्म करने का 40 से 45 लाख रुपए लेते हैं तो पवन 50 लाख। वैसे भी इसमें गलत क्या है, हर मामले में पवन सिंह खेसारी से सीनियर है। रही बात स्टेज शो की, तो स्टेज शो का दोनों एक मुताबिक ही चार्ज करते हैं, कभी किसी स्टेज शो का 5 लाख तो कभी किसी स्टेज शो का 8 लाख, यानी कि वो स्टेज शो कहाँ कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। खैर, अब बात करते हैं म्यूजिक एल्बमों की, तो आपको बता दें कभी इस मामले में खेसारी भारी पड़ते हैं तो कभी पवन सिंह भारी पड़ते हैं, कभी पवन सिंह के गाने बड़े तेज चलते हैं तो कभी खेसारी लाल यादव के। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। जी हाँ, खेसारी प्राइवेट लिमिटेड करके एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसके तहत खेसारी, कहा जा रहा है कि अभी खुले तौर पर नहीं लेकिन भोजपुरी फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं। ठीक वही हाल पवन सिंह का भी है, लेकिन पवन सिंह अभी खुले तौर पर किसी भोजपुरी फिल्म को नहीं बना रहे हैं। इन दोनों की साल में तकरीबन 7 से 8 फिल्में आती हैं, कभी कभी ये आंकड़ा पार होके 10 के पार भी चला जाता है। ये रही एक तुलना जो कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे पवन और खेसारी के बीच कर रहे हैं, लेकिन ये तुलना करने से पहले वो लोग समझ जाए कि पवन और खेसारी में तुलना इसलिए भी नहीं हो सकती कि कई मामले में पवन सिंह खेसारी लाल यादव से सीनियर है और खुद खेसारी लाल यादव पवन सिंह को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो कंपैरिजन कैसी, लेकिन फिर भी भाई जब आप एक फील्ड में हो तो लोग ये जानना चाहते हैं कि किसका सुपरस्टार कितना अहम है और कितना मजबूत है। तो भाई आज आपने ये पता तो लगा ही लिया होगा कि कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे।